हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही सुंदर लेस डिज़ाइन, जिसे आप लेडीज़ की जैकेट, कार्डिगन या गर्ल्स के टॉप या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, 24 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के लिए हमें 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए। मैंने इस सिलाई में 18 फंदे डिज़ाइन के लिए और 2 फंदे किनारों के लिए, टोटल 20 फंदे लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे बुनें, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों को एक साथ बुनकर 2 का एक बनाएं। 2 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। ये हमारा 9 फंदों का डिज़ाइन बन जाएगा। आगे हमने इसी तरह जैसे हमने शुरू से बुना था वैसे ही रिपीट करना है। धागा आगे, 5 फंदे उल्टे बुने, 5 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 2 फंदों का एक बनाएं, 2 का एक बनाने के बाद धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे बुनें। और अब ये जो लास्ट वाला किनारी वाला फंदा है इसे भी सीधा बुनें। ऐसे ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। 2 नंबर सिलाई में जो फंदे हमने पहली सिलाई में सीधे बुने थे उन्हें हमने दूसरी सिलाई में उल्टे बुनना है, और जो पहली सिलाई में उल्टे बुने थे उन्हें उल्टी सिलाई में सीधे बुनना है। पहला फंदा उतारें, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, 5 फंदे सीधे बुने, 4 फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने, 4 पीछे, 5 फंदे सीधे बुने, 4 आगे, और ये लास्ट वाला किनारी का फंदा है जो इसे उल्टा बुने। 3 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने। पहली सिलाई में हमने 5 फंदे उल्टे बुने थे, अब हमने 4 फंदे उल्टे बुने हैं। ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, फिर हमने 2 फंदों का एक बनाना है। ये 2 फंदों का एक बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुने, धागा घुमाएं, 2 फंदे सीधे। ये हमारा 9 फंदों का पैटर्न बन गया है। नेक्स्ट हमने अगले 9 फंदों पर भी यही पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, 4 फंदे उल्टे बुने,
चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, एक फंदा सीधा बुनें, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। ये नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया और लास्ट वाला फंदा जो किनारी वाला है उसे भी सीधा बुनें। चार नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, पांच फंदे उल्टे बुनें, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुनें, ये नौ फंदों का पैटर्न बन गया है। आगे फिर इसी तरह रिपीट करें, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे, लास्ट का जो किनारी वाला फंदा है उसे उल्टा बुने। पांच नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुने, ऐसे हमने उल्टे फंदों को हर सिलाई में, हर सीधी सिलाई में घटाते जाना है। तीन फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुनें, दो फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। ये नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अगले नौ फंदों में भी इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद दो फंदे सीधे बुनें, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। छह नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, छह फंदे उल्टे बुने, छह फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, ये नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, छह फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुने, धागा आगे, आखिरी किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। सात नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, दो फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने, ये नौ फंदे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं,
तीन फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने और ये लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। आठ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, सात फंदे उल्टे बुने, सात फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, सात फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने, धागा आगे, लास्ट का किनारी वाला फंदा उल्टा बुने। नौ नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद चार फंदे सीधे बुने, चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने। आगे फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद चार फंदे सीधे बुने, ये चार फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने और लास्ट में किनारी वाला फंदा सीधा बुने। दस नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, आठ फंदे उल्टे बुने, आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने। फिर आगे इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा आगे, आठ फंदे उल्टे बुने, आठ फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, किनारी वाला आखिरी फंदा उल्टा बुने। 11 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदों का एक बनाएं, दो का एक बनाने के बाद पांच फंदे सीधे बुने, ये पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने। नेक्स्ट फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, दो का एक बनाएं, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का फंदा सीधा बुने। 12 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और पूरी सिलाई उल्टी बुने। 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद अब हमने 13 नंबर सिलाई स्टार्ट करनी है। 13 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें,
धागा घुमाएं, धागा घुमाने के बाद इन दो फंदों को ऐसे सिलाई पर उतारें, दोबारा उल्टी सिलाई पर लेकर जाएं और ऐसे पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। ये दो का एक बनाने के बाद धागा आगे पांच फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदे सीधे बुने। ये ऐसे हमारा नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। धागा घुमाएं, दो फंदों को उतारें, उतार कर उल्टी सिलाई पर लेकर जाएं और पीछे से बुनते हुए दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे पांच फंदे उल्टे बुने, पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 14 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे पांच फंदे सीधे बुने, धागा आगे दो फंदे उल्टे बुने। ये ऐसे हमारा नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इसी को रिपीट करना है, तो इसको रिपीट करने के लिए हमने आगे पहले दो फंदे उल्टे बुनने हैं, दो फंदे हमने ये उल्टे बुने हैं, तो नेक्स्ट हम फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे पांच फंदे सीधे बुने, धागा आगे दो फंदे उल्टे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। 15 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने। एक फंदा सीधा बुनने के बाद पहले की तरह ही दो फंदों को उतारें और उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे चार फंदे उल्टे बुने, ये चार फंदे उल्टे बुनने के बाद धागा पीछे दो फंदे सीधे बुने। ये हमारा नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा घुमाएं, एक फंदा सीधा बुने, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, धागा आगे चार फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 16 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे तीन फंदे उल्टे बुने, ये हमारा नौ फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे चार फंदे सीधे बुने, धागा आगे तीन फंदे उल्टे बुने
और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुनें। 17 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें। ये दो फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को ऐसे उतार कर से दोनों को बुनकर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। फिर वही पैटर्न रिपीट करें, धागा घुमाएं, दो फंदे सीधे बुनें, दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, धागा आगे, तीन फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुनें। 18 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुनें। ये चार फंदे उल्टे बुनने के बाद नेक्स्ट वही पैटर्न दोबारा रिपीट करें, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, चार फंदे उल्टे बुनें। और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुनें। 19 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद पहले की तरह ही दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। नेक्स्ट इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा घुमाएं, तीन फंदे सीधे बुनें। तीन फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों का उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुनें। 20 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनें, ये पांच फंदे उल्टे बुनने के बाद दोबारा उसी पैटर्न को रिपीट करें, दो फंदे उल्टे बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे बुनें, और आखिरी का किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुनें। 21 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुनें, चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं। दो का एक बनाने के बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुनें, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुनें। दोबारा इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा घुमाएं, चार फंदे सीधे बुनें, चार फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं,
धागा आगे, एक फंदा उल्टा बुने, धागा पीछे, दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 22 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, छह फंदे उल्टे बुने, ये छह फंदे उल्टे बुनने के बाद दोबारा फिर वही पैटर्न रिपीट करें, दो फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बुने, धागा आगे, छह फंदे उल्टे बुने, और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी उल्टा बुने। 23 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, दो फंदे सीधे बुने। नेक्स्ट फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें, धागा घुमाएं, पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद दो फंदों को उतार कर दो का एक बनाएं, दो फंदे सीधे बुने और लास्ट का किनारी वाला फंदा भी सीधा बुने। 24 नंबर सिलाई में पहला फंदा उतारें और सारी सिलाई उल्टी बुने। 24 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है और हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।